भाई ये बंदा टेलीपोर्ट करता है इससे। अबे अभी नहीं, अबे नहीं प्लीज। नहीं बच 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 के आना। अबे अरे अबे चुन टेलीपोर्ट भाई। हां बहुत ही खेल बहुत है। क्या ही टाइमिंग पे मर गया। ऐसा वन शॉट का था ये बंदा इनमें। बेफालतू में डर गया था यार। ओके सो जस्ट भाई मेरी सील की डर थी यार। मेरी सील भी डिस्ट्रॉय हो गई यार से। सो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, रियल ड्रैगन एसएमपी का ये है, आई डोंट रिमेंबर एपिसोड नंबर कितना। ड्रैगन एसएमपी के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सभी का बहुत स्वागत है। एंड लाइक सब लोगों ने देखा इंट्रो के टाइम पे क्या ही हो गया यार मेरे साथ भाई। लास्ट टाइम भी लास्ट एपिसोड में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन हाँ अभी तक अगर आप लोग न्यू हो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर के रख दो। इस वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। एंड हाँ आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में जहाँ से अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा नहीं लगा तो। फिर आप अगर कॉन्टेंट पसंद नहीं आया तो फिर आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। नेवर माइंड। सो गाइस आपको यार अगर लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कोई चीज़ बताई थी। ओके यार मैं काम बताओ जल्दी से अपने लिए आर्मर ले लेता हूँ फिर बात करते हैं। सो गाइस आपको याद होगा लास्ट वाली वीडियो के एंडिंग के आसपास मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि कोई तो बंदा है जो कि हमारी साइकिल ब्रेक करने की ट्रायल में है एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो हम लोगों को उस चीज़ के ऊपर पहले देखना होगा कि वो बंदा है कौन। सो उसके लिए जो है मैंने कहा अबे यार वापस पाउडर में फंस गया क्या। कोई ना कोई ना तो गाइस मैं ये कह रहा था कि देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को कल वो लास्ट वीडियो में वहाँ पे एक्सप्लेन किया था वो सब कुछ कि लाइक वो जो साइकिल है उसको हम लोग लाइक ऐसे अनप्लेस या फिर लाइक ब्रेक नहीं कर सकते कि ये चीज़ यहाँ है वो चीज़ वहाँ। क्योंकि गाइस एट द एंड है ना गाइस जब ड्रैगन एसएमपी वापस से रिक्रिएट होने वाली है जो कि मैजिशियन के भाई ने मुझे बताया है कि एक साइकिल है जो वापस से रिपीट होगी। यस यानी कि एट द एंड या तो एंटिटी जीतेंगे तो हम जीतने वाले। तो जो होगा वो फ्यूचर है अभी मैं चिंता नहीं करने वाला क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या होगा। सो यस सो बेसिकली साइकिल एंड हर बार रिपीट होनी ही चाहिए जो मैंने आपको कल लास्ट वाली वीडियो में बताया। जिन लोगों को नहीं पता जो नए आए उन पर आज देखो हमारे ड्रैगन एसएमपी के अंदर जो है ना एक रूल चलता है हमने रियल लाइफ में बचपन में चीज सीखी होगी पंचतत्व जो कि होते लाइक आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब कुछ राइट। सो ये जो पंचतत्व होते हैं ना ये हमारे ड्रैगन एसएमपी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं गाइस। तू आ जा भाई मेरे पास सील नहीं मुझे लेनी है यार अभी। अरे मरेगा तू नहीं मर जा। सो गाइस बेसिकली इनका है ना एक रूल है जो कि एक समय माता मेरे गुस्सा ना कर रहे तो मैं वहाँ जा नहीं सकता अभी। सो वो जो रूल है ना गाइस एक साइकिल में काम करते जैसे कि यहाँ पे है हमारा स्पेस यहाँ पे आता है अपना हवा यहाँ पे आती है आग यहाँ पे आता है पानी यहाँ पे आती है अर्थ। तो अब जो आकाश यानी कि स्पेस है ना स्पेस के बाद हवा आती है जो साइकिल है इन दोनों को कंबाइन करके यानी ऑक्सीजन के बिना आग नहीं आएगी तो आग आ गई। अब इन तीनों को कंबाइन करके पानी आता है क्यों तो फिर लाइक आग अपना टेम्परेचर ऊपर नीचे करके पानी को ला सकती है एंड इन चारों को बना के हमारा अर्थ बनता है जिसके ऊपर आप हम ये प्लैनेट बनता है। सो कोई तो इन चीज़ों को जो है ना ये करने की तरह करना है कि जैसे कि अभी अपना पानी को हवा की जगह रखना है या फिर अर्थ को आग की जगह पे रखना है ऐसे रैंडमाइज करने की ट्राई कर रहा है ताकि वो साइकिल ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया ना गाइस तो फिर सिर्फ साइकिल ब्रेक नहीं होगा हमारा पूरा वर्ल्ड ब्रेक हो जाएगा पूरा वर्ल्ड ब्रेक ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर कुछ टुकड़ों में बच जाएगा ग्लास के पीछे जाकर ग्लास टूट जाए तो कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कुछ वैसा हो जाएगा गाइस। जो भी होगा पूरे वर्ल्ड में डार्कनेस ही डार्कनेस होगी
जो कि हमारे एंटिथीसिस का मेन मकसद है। एंड हमें लास्ट हमसे पिछले से पिछले एपिसोड में ये चीज़ पता चल गई थी कि हमारा इनविजिबल एंटिटी आज़ाद हो चुका है, वो बाहर घूम रहा है। लाइक मेडिसिन को हमने जो चीज़ बताई कि वो जो बंदा है वो इनविजिबल एंटिटी, वो भी स्पेंड नहीं हो सकता। कि वो बंदा एंटिटी जैसे फाइट की वो नहीं, जो ये पंच तत्वों की साइकिल को ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। क्योंकि देखो मेडिसिन के बहनी ने एक ऊर्जा फील की जो इनविजिबल एंटिटी से आती है। मेडिसिन के बहनी इनविजिबल एंटिटी से फाइट की है, लेकिन इस बंदे से वो फील नहीं आ रही है। यानी वो जो बंदा इन साइकिल को ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है वो इनविजिबल मैन नहीं है। यस, वो कोई और ही है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, या फिर जानते हो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि लाइक अलग ही फोर्स है उसमें से, अलग ही एक आता है। सो अभी के लिए जो है ना, मैं उस बंदे के पास नहीं जाने वाला, लाइक मतलब वो साइकिल की जो लोकेशन है कि लाइक मैं अभी के लिए उस जगह नहीं, पहले मैं कमांडर के पास जा रहा हूँ एक आर्मी सेटल करने। क्योंकि मुझे वो वाला कमांडर ने अपने विलेज वाला कमांडर ने किंगडम वाला कमांडर, जिस किंगडम का मैं राजा हूँ ना, उस किंगडम का कमांडर, हम लोग उसके पास जा रहे ताकि लाइक ताकि मैं जो हूँ ना वहाँ पर से कुछ आर्मी ले लूँ। लगभग 10-15 बंदे बहुत हो जाएंगे। सो यस, वो जो आर्मी होगी ना वो मेरी बहुत हेल्प कर सकती है। एंड मैं एक दो साइंटिस्ट या प्रोफेसर को ले लूँगा अपने साथ। सो इसलिए अभी के लिए मैं विलेज वाले कमांडर के पास नहीं, बल्कि किंगडम वाले कमांडर के पास जा रहा हूँ। हाँ, हर हमारे यहाँ पे हर जगह पे अलग अलग कमांडर्स है। एंड यहाँ जो सोल्जर्स, पता नहीं मेरा पीछा कभी छोड़ने वाले यार। सही बता रहा हूँ, ये सोल्जर्स को जो है ना लाइक मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, फिर कुछ और ही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था ना ये लोग मुझ पर हमले कर रहे थे सीरियसली। जबकि कमांडर के बारे में मुझे समझा भी दिया था ये ऐसे ऐसे हमारे राजा है। सो यस, एंड ज़्यादा मिला नहीं, मैं बस 5 मिनट रुका, 5 मिनट एक सेकंड, 5 मिनट के बाद जो है ना मैं वहाँ से निकल चुका था गाइस। तो अभी जो है ना हम लोगों को जल्दी से जल्दी जो है ना गाइस, लाइक अपने लाइक यहाँ पहुँचना होगा किंगडम में, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम है नहीं। मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, क्योंकि देखो वो बंदा जो है ना अपने रास्ते पे निकल चुका है उन साइकिल की तरफ। एंड मैंने अगर ज़्यादा लेट किया ना गाइस तो शायद तक वो साइकिल को चेंज भी कर दे। हाँ, इससे मुझे एक चीज़ याद आई, मेडिसिन के बाद ओह भाई साहब नीचे सोल्जर है तो वहाँ जाना है थोड़ा सा दूर, रास्ता बदल दो जल्दी से। ओ भाई सर, भाई राघव जी मुझे को आशीर्वाद दे दीजिए सर प्लीज़, यू नेवर डाई सर, यू आर लेजेंड। ओके सर गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ दैट लीव्स के ऊपर प्लस होता नहीं, मैं ये बात भूल चुका था, सही बता रहा हूँ। तो यस, मैं कह रहा था लाइक लास्ट वाला एपिसोड के अंदर जब रेड हुई थी ना, तब जो वो लाइक अलग टाइप के प्लेसेस थे ना, वो इसी वजह से है। यस, या तो वो बंदा है ना लाइक कुछ और भी कर रहा है उसके साथ ही, जिस वजह से जो है ना हमारा जो एक जो होता है बैलेंस का एक कुछ ये बोल सकते लाइक एक रॉड बोल लो गाइस, या फिर वेइंग मशीन ले लो, जिसके एक पल्ले पे जो है ना वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना ही दूसरे पे, जिस लाइक बेसिकली दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों में से एक का भी वजन ज़्यादा हो गया ना गाइस, तो हमारे वर्ल्ड के बैलेंसिंग सिस्टम ख़राब हो जाएगी एंड सारी की सारी एंशियंट चीज़ें बाहर निकल के आएगी। एंड ये जो थे ना गाइस ये विलेजर्स, इन्हें एंशियंट टाइम के अंदर दबा दिया गया था ताकि ये लोग हमारी फ्यूचर जनरेशन यानी कि मुझे या फिर आने वाले बंदों को जो है ना तंग ना करें। ये काम किसने किया होगा? किसी को बहुत ही पावरफुल टीम ने किया है, वो कौन है मुझे नहीं मालूम, ना ही वो बंदा मुझे बता रहा है। मैजिशियन का भाई, मैजिशियन के भाई को पता है लेकिन वो बताया नहीं रहा। आई थिंक सो कुछ तो रीच आ गया है। ओ क्या है भाई, क्या ही की वे भाई, सब कुछ धक्का न है यार, आज कल भरोसा ही नहीं रहा यार। वो क्या लगो सर, सर जी नमस्कार। तो क्या गाइस, अभी मैं डायरेक्ट हम लोग ट्रांजिशन करते गाइस, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वहीं पर। सो लेट्स गो गाइस, जस्ट लुक एट दिस मैन, कितना ज़्यादा एपिक एंड कितना बड़ा किंगडम है गाइस, सही में यार। तो वहाँ से सीधा हमारे किंगडम में हर जगह पानी आता है गाइस, जस्ट लुक एट दिस पूरे भाई, मैं देखा है गाइस वो माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा विशाल का माउंटेन्स है गाइस,
वॉज सो मच एपिक मैन। मैं एक बार के लिए आपको दिखा भी दे रहा हूँ, चलो आ जाए। ये काइंड ऑफ डैम है गाइस, सो इट्स गाइस। ये देखो यहाँ बहुत ऊपर से आता है सारा पानी, एंड मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं कहाँ से एक्यूरेटली ओरिजिन नहीं होता है ये सब कुछ। ये सब ऊपर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पीछे पूरी नदी आएगी सो यहाँ। आई एम नॉट श्योर, लेट्स चेक वंस मैन। ओ यस, ये था वहाँ पर बस। अरे सूख रहा है, पानी जा रहा है वो पानी। तो चलो ठीक है, ये भी सही है, रखना खा लो भाई। काले रहने दो, सामने आता है क्या पता। सही में सूख रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं सूख रहा है क्या? ये सूख तो रहा है भाई पानी। देखा तो ये देखो पूरा। अरे भाई ये नहीं चाहिए सूख। अरे पानी सूख जाएगा भाई मुझे नीचे जाने। अरे अरे यार जाने दो। What? Wait. मैंने shit। अबे नीचे void है। shit shit घर पर घर पर घर पर। ओह क्या ही बचाओ bro। भाई साहब मैंने अब जाके ध्यान दिया, नीचे पूरा का पूरा एक void है। seriously sir man। ओके डन भाई साहब, मैं वापस नहीं। ओके फंस गया क्या यहाँ पे? रुक जा, ये बंदा फंस गया यार। आ जा। सॉरी अब इसके ये मारेंगे यार उसको। नहीं अब नहीं मारेंगे। एक बार अगर सील पे लग जाता है ना गाइस तो देखा मारना भूल जाएगा। और एक अपने सोल्जर्स तैनात है इस काम पर अपने। सो के अभी मेरा मेन मकसद है कमांडर से मिलना, तो मैं जल्दी से आपको उससे भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं अरे यार चलो बाहर में जाएगा भाई साहब। मैं मर जाता सायरस वहाँ पर, लकीली मेरे पास पर्ल्स थी, वरना गाइस मैं उस पानी के साथ नीचे चला जाता है। गाइस इट वाज अ काइंड ऑफ भयानक। मैंने तो ओके करके आई डोंट थिंक सो मेरे पे आक्रमण करेगा, लेकिन स्टिल गाइस और सिक्योरिटी यहाँ पे लाइक यूजली लोग आते नहीं है, तो फिर क्या तो मुझे देख के डर जाए। आई मीन शॉक हो जाए कि कौन है कौन कौन है, क्योंकि अभी तक मैं सबसे मिला नहीं है। मैं बस कुछ कुछ लोगों से मिला हूँ, वो लोग मुझे जानते तो मुझसे हमला नहीं करते। ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एक, यहाँ पर भी अंदर कहीं से तो ओरिजिनल होता है क्या ये पानी? हाँ भाई बहुत ही अच्छा है यार, प्योर पानी का सोर्स है भाई। ये देखो वहाँ पर भी आता है। अरे भाई शाम से ये देखो यहाँ से कहीं तो जा रहे है। ओके वहाँ पर देखो, अरे भाई मैं वहाँ पे देखते देखते क्लच ही भूल गया। वहाँ पर देखो ये जो वुड का कुछ है ना, यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे पूरा पानी ऊपर से नीचे जा रहा है एंड वहाँ से आगे जाते जा रहा है। यानी से करके हमारे किंगडम तक ये पूरा पानी पहुँचता है। सो मैं काम का कमांडर से मिलते जा रहे थे तभी। भाई मैं विलेज के कुछ लोगों को अभी तक देखा नहीं है। अरे यहाँ पर बंद क्यों आसानी खुलेगा? मुझे लगा बंद कर दिया, लेकिन नहीं ओपन है गाइस। ले व्हाट द हेक, अबे यहाँ पे हेयर क्यों रखे हुए ऐसे सभी के भाई? अबे तेरी बहन से आजा सालो कमांडोस। गए मर गए। ओ
गार्डन के अंदर बंदों के सर है गाइस। अबे 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 क्या है आप पे ये कौन है? अबे तुम्हारे आगे सारे। अबे भाई रुक 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 अंकल रुक, ये क्या है इसके पास? अब मार के देखो, तू खुद भी मरेगा से मालूम है। ये देखो अब मारेगा, मुझे दिख नहीं रहा। आ भाई पानी लगकर अबे अपने बंदे को उड़ा दिया। यार मेरे दो हर्ट्स पर भाई, मैं खाने का आजा। नहीं मत आ 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 मत आ, ये पानी में नहीं आ रहा। एक खास तेरे को बचा लिया मुगले मर। ये क्या क्या माल था भाई इस बंदे पे? अबे नहीं सर प्लीज रुक जाओ। अब आजा तेरी बहस के हाथ में सारे मर भाई साहब। भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है यार। किंगडम के अंदर की सिक्योरिटी इंक्रीज करनी होगी। ऐवे तैवे कोई भी आ रहा है भाई किंगडम के अंदर, ये सब मजाक है क्या? थैंक यू कमांडर भाई। अब ये कौन है कमांडर भी मर गया क्या? हो ही नहीं सकता गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा नहीं एक सेकंड में भूली गया गधा, वो कमांडर नहीं था, वो कमांडर ने एक बंदे को भेजा था राजा भाई। इसने बोला भाई कमांडर से मैंने हेल्प मांगी थी, उसने यहाँ पे मेरी हेल्प के लिए एक बंदे को भेजा, तो बंदा मर गया यार। मुझे दो सेकंड लगा कि वो कमांडर है, कि वो कमांडर ही होगा, लेकिन नहीं था। लकीली भाई मैं डर गया था यार, अब कमांडर ही मर गया तो क्या होगा। यस गाइस फाइनली कमांडर आ चुके हैं। हेलो सर। सो गाइस मैं कमांडर से बात कर रहा हूँ, कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं मुझसे। अरे कमांडर ये देख, वो बंदे ने ऐसा स्पेशल क्रॉस किया। व्हाट? अबे भाई उसके हाथ में फतर आ था सही में। काम करता हूँ मैं इससे पूरी बातचीत करता हूँ। ये बोल रहा है घर के अंदर बात करते भाई, ये क्या जगह यार? अबे कहाँ गया भाई इसके? तुझे इसके बारे में बात करनी है, मैं इससे बात करके आता हूँ। ओके गाइस दो मिनट दे बस मुझे, मैं बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक सेकंड में यही पर हूँ, यही पर हूँ, चिंता मत कर। सो गाइस कमांडर ने मुझे बताया है, वी सी बनी करो। ओके वी सी चेंज हो गए। ओके कमांडर ने मुझे ये बताया कि ये देखो ये सारे सर हैं ना हमारे, इनके हमारे सिटीजन्स के, इसकी किंगडम के सिटीजन्स के, एंड किसी ने तो उन सबको किल कर दिया। और किसे मार रहा है? खून हो गया है, सभी का खून कर दिया गया है। एंड इस बंदे को एक साइन बोर्ड मिला जिसके ऊपर लिखा था वी वांट रिवेंज रियांस, यानी मुझसे रिवेंज चाहिए एक बंदे को, आई मीन आई वांट लिखा था उसके ऊपर। लेकिन किसे ही चाहिए होगा यार? कौन रखता है यार? मैं तो नहीं रख पा रहा, उसके अंदर रखे किसने एक फिश? इसके अंदर मुझे कोई आवाज़ आई कत कैसे लगा, कोई विलेजर मारा। कमांडर ने मुझे एक और एक बार बताइए, मैं बाद में बता देखता हूँ उस विलेजर का क्या हुआ। मैं कमांडर को मार रहा हूँ, कमांडर मुझे बोल रहा है कि मुझे जेल जाना होगा। यस एंड मैं यहाँ से बच के जा भी नहीं सकता, चाहकर भी मैं ऐसे निकल नहीं सकता, क्योंकि कमांडर मुझे पकड़ लेगा एट दी एंड। सो फैक्ट यह हुआ है यहाँ पे यू भी आया था मेरे आने से बहुत टाइम पहले, एंड उसने कमांडर को पूरी बार बताइए। देखो मैं कमांडर से पहले इतना मिला नहीं, क्योंकि कमांडर इतनी जल्दी मुझको विश्वास नहीं करेगा। और यू भी कमांडर से मिला, उससे बातचीत की एंड मेरे बारे में बताया कि एक रियांस करके बनता है जिसका ऊपर ये देखो किन किन लोगों ने ये नोटिस नहीं किया, मैंने भी ये बात दिखाना भूल गया था। तो यस मेरा ब्रैंकस रिपेयर नहीं हुआ है, लेकिन मेरी दूसरी आँख भी ठीक हो चुकी है, क्योंकि ये काम भी जो है ना मैजिशियन के भाई ने मुझे करके दे दिया, जिसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम। एंड उसने जो है ना कहा कि ये जो है ना एक टेम्पररी रिपेयर है, यस ये दोनों आँख रिपेयर होगी, बाद में वापस से मेरी एक आँख सफेद हो जाएगी कुछ टाइम बाद, तो टेम्पररी है सब कुछ। सो यस सो यहाँ पर जो है ना कमांडर मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, उसे लग रहा है कि भाई मैं एक्चुअली में कोई और ही बंदा हूँ,
तो फिर मेरे ऊपर ब्राइन कस का इफेक्ट है। इसने जो है ना मेरी अभी जांच पड़ताल भी कराई, क्योंकि देखो मेरी स्किन तो नॉर्मल है ना, मेरा मेरा सर नॉर्मल है ना, मेरा चेस्ट है ना, सब कुछ ओके। सो उसने देखा कि ये तो भाई ये अलग ही बंदा है, रियांश नहीं ये करके। अभी जो है ना बंदा मेरे पर विश्वास नहीं रख रहा है, क्योंकि अरे अबे यार कह रहे हैं मुझे जेल जाना होगा। एंड मैंने कहा है ठीक है भाई, पर मैं अपने आप को ज़रूर से सही साबित कराऊंगा। इसने कहा कर दे बाहर, मेरे कहा अभी के लिए जेल जाना ही होगा। तो आई वाज लाइक ठीक है। सो गाइस एकदम मुझे एक जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड फोल्ड है, ये गलत है यार। मुझे रास्ता भी पता है मेरे को वापस आने का। सो चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट जेल। मुझे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि अगर मैंने कमांडर के ऊपर हाथ भी उठाया ना, या फिर भागने की ट्रायल भी की गाइस, तो यहाँ का जो किंग है जिसने मुझे किंगडम दिया, वो बहुत पावरफुल बंदा है, वो सीरियसली मेरे जो मेरे पीछे उसकी पूरी आर्मी लगा देगा। फिर मैं कहीं नहीं जा सकता गाइस, बच के निकलना इम्पॉसिबल है। मैजिशियन का भाई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता गाइस। तो फिर अभी जो है ना कौन है भाई, तो गाइस मुझे अपनी हार स्वीकारनी होगी। मैं बाद में उस प्रिजन से एस्केप कर ही लूँगा, मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है। सो गाइस अब डायरेक्ट प्रिजन के अंदर ही मिलते हैं। ओके सो गाइस मुझे इस प्रिजन में लगभग लोग अभी तक 2 दिन हो चुके हैं। देख लो गाइस तीसरा एंड दूसरा दिन ख़त्म होने वाला है। एंड ये देख लो यार भाई, एक्चुअली क्या हो गया, रास्ते में आते आते है ना, जब मैं इस प्रिजन के पास आ गया था ना, तब मेरा ये जो मास्क टाइप चीज़ थी जो टेम्प्रेरी थी वो हट चुकी है अभी के लिए। एंड मेरे वापस एक आध ब्राइन कर्स के अंदर दिख रही है। तो इसकी वजह से कमांडर ने अब तो मेरे पे विश्वास किया ही नहीं है भाई। अब मैं कुछ कर नहीं सकता, उसे लग रहा है कि मैं नकली बंदा हूँ यार। उसे कौन ही बताएगा, क्योंकि किसी को ये चीज़ नहीं बोला। मैजिशियन को ये चीज़, मैजिशियन तो है ही नहीं, मैजिशियन का भाई, उसको ये बात पता है कि भाई मैं रियल बंदा हूँ। लेकिन वो बंदा ये कैसे जानेगा कि मैं यहाँ पर ट्रैप्ड हूँ। आई हैव नो आइडिया मैन क्या होने वाला है अभी। पतिया मैंने एक एपिक सी लाइक क्या है वो भाई, मतलब इतना अच्छा मौका था गाइस मेरे पास। अगर मेरे पास ये टेम्प्रेरी मास्क था ना, मैं यू के पास चला जाता, उसे बताता कि भाई मेरे ऊपर ब्रैंकस आ गया था, ऐसा हो गया था मेरे साथ, प्लीज़ भाई अब तू मेरे पे विश्वास कर। मैं ही हूँ तो वो विश्वास कर भी लेता यार मेरी बात, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। मैं उल्टा कमांडर के पास चला गया आर्मी मांगने के लिए, एंड भाई सीन हो गया यार मेरे साथ। तो मैं जेल के अंदर हूँ अब, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मेरे साथ क्या होता है। सो तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जल्दी मिलते हैं।